मैं उमेश चंद्रा, आज हम लोग बात करेंगे नेचर टच गैनोडर्मा के बारे में। नेचर टच गैनोडर्मा, गैनोडर्मा का जो पूरा नाम है गैनोडर्मा ल्यूसिडम है। गैनोडर्मा ल्यूसिडम को जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। यदि आप गूगल पे जाएं और सिर्फ किंग ऑफ हर्ब्स टाइप करें तो आपको गैनोडर्मा से रिलेटेड हजारों वेब पेज आपके सामने आ जाएंगे जिसपे कई सारी जानकारियां आपको दी गई है। गैनोडर्मा ल्यूसिडम के अंदर 280 से भी अधिक नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 280 से भी अधिक क्रियाशील तत्व पाए जाते हैं। नेचर टच गैनोडर्मा का जो मुख्य कार्य है स्कैनिंग करना। जब ये हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है, हमारी कोशिकाओं में पहुंचकर ये रोगों का पता लगाता है कि किस पार्ट में कहां कहां कौन सा रोग है। कई बार ऐसा सवाल आता है कि गैनोडर्मा किस पार्ट पे काम करता है, किस ऑर्गन पे काम करता है। तो गैनोडर्मा नाखून से लेकर सिर के बाल तक काम करता है, या बाल से लेकर नाखून तक काम करता है। मतलब ये ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है, ये सेल स्पेसिफिक है। हम सब जानते हैं कि जो हमारा शरीर है ये छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बनी है। कोशिकाएं हमारी सबसे छोटी यूनिट है। अगर हमारी कोशिकाएं स्वस्थ हो जाएं तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो नेचर टच गैनोडर्मा हमारी कोशिकाओं में पहुंचकर, हमारी सेल्स में पहुंचकर स्कैनिंग करता है, रोगों का पता लगाता है, और जब रोगों का पता लगा लेता है तो फिर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्योंकि हमारी कोशिकाओं में जाने अनजाने में कई तरह के विषैले तत्व जमा हो रहे हैं, उन विषैले तत्वों की वजह से हमारी कोशिकाएं वांछित स्तर तक कार्य नहीं कर पाती है। जिस तरीके से हमारी कोशिकाओं को कार्य करना चाहिए उस तरीके से, उस लेवल पे हमारी कोशिकाएं कार्य नहीं कर पाती हैं, और जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। नेचर टच गैनोडर्मा हमारी कोशिकाओं की साफ सफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो पहला जो इसका काम है स्कैनिंग करना, और दूसरे स्टेप पे ये हमारी कोशिकाओं की साफ सफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। और तीसरी जो काम इसका है बिल्डिंग करना, निर्माण करना, जो बहुत बड़ी पावर है। कुदरत ने इसके अंदर ऐसे तत्व दिए हुए हैं कि हमारी टूटी फूटी जो कोशिकाएं हैं उनकी बिल्डिंग करता है, निर्माण करता है, मरम्मत करता है। और जब मरम्मत कर लेता है, जब हमारी कोशिकाओं का जब मरम्मत हो जाता है, इसके अलावा इसका जो चौथा काम है रीजेनरेशन करना, कोशिकाओं को रीजेनरेट करने की भी क्षमता रखता है। कुछ कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, जिसमें थोड़ी बहुत जान बची होती है, उन कोशिकाओं को ये जिंदा करता है, पुनर्जीवित करता है। इस तरीके से अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो नेचर टच गैनोडर्मा का जो मुख्य काम है स्कैनिंग करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, बिल्डिंग करना और रीजेनरेशन करना। ये चार वर्ड में कंप्लीट नेचर टच गैनोडर्मा की जानकारी मैंने आपको दिया है। अगर ये चारों फंक्शन हमारे बॉडी में हो रहे हो तो फिर किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता आपके पास होती है। तो नेचर टच गैनोडर्मा इस तरीके से हमारे सेल को, हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ बनाकर हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ बनाता है। क्योंकि अगर हमारा कोशिकाएं स्वस्थ है तो हमारी पूरी शरीर स्वस्थ है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे फायदे हैं जिसके बारे में आपसे बताऊं। अगर आप बराबर इसका यूज कर रहे हैं तो आपको एक लंबी आयु और तंदुरुस्ती देता है, तब एंटी एजिंग का काम करता है, आपके उम्र ढलने की जो प्रक्रिया है उसको स्लो कर देता है और आपको तंदुरुस्त रखता है। इसके अतिरिक्त यह ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके हृदय और फेफड़ों को शक्ति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त गैनोडर्मा में एडिनोसिन नामक प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो हार्ट अटैक और रक्त के थक्के, क्लॉटिंग की समस्या से रक्त वाहिनियों को बचाता है। इसमें मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगा क्योंकि ये समस्याएं पूरे विश्व की एक गंभीर समस्या है। हार्ट अटैक होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हमारे धमनियों का
जमा हमारे धमनियों का जाम होना। जब धमनियां जाम होंगी, ब्लड वेसल्स जमा होंगे, तो ये समस्याएं बढ़ेंगी तेजी से। तो गैनोडर्मा का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को जब कम करने के साथ साथ ये आपके ब्लड वेसल्स की सफाई करता है और आपके हृदय, इस तरीके से हृदय और क्लॉटिंग बनने की जो समस्या है, तब हार्ट अटैक और क्लॉटिंग, अगर इन सारे शब्दों को मैं एक जगह इकट्ठा करूं, अगर कोलेस्ट्रॉल, क्लॉटिंग की समस्या, हार्ट अटैक, तो एक लाइन में आपको बताऊं कि ये आपको हार्ट अटैक होने की, हृदय की जो दौरा पड़ता है उस समस्या से आपको ये दूर करता है, बचाता उन समस्याओं से। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि हार्ट अटैक कब होने वाला है। प्रिवेंशन के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि हार्ट अटैक किसी को भी बता कर नहीं आता है, और ना तो किसी मेडिकल साइंस के पास कोई इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जो ये बता दे कि हार्ट अटैक होने वाला है। लेकिन अगर आप नेचर टच गैनोडर्मा अगर आप बराबर यूज कर रहे हैं, ये हमारे नसों की सफाई करता है, हमारे धमनियों की सफाई करता है, और हमारे शरीर के अंदर जो विषैली चीजें नसों में जमा हो रहा है, जब हमारे नसों की सफाई कर देता है, तो ब्लड का प्रवाह सामान्य रूप से होने लगता है, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा बिल्कुल न के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त गैनोडर्मा पैंक्रियाज अग्नाशय की कार्य प्रणाली को पुनर्जीवित कर इंसुलिन बनने की प्रक्रिया को तेज कर देता है, और जब इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है तो ग्लूकोज का नियंत्रण हो जाता है। इसको भी अगर मैं बात करूं, पैंक्रियाज इंसुलिन डायबिटीज, इस सारे शब्दों को अगर मैं एक जगह लाऊं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि गैनोडर्मा का अगर बराबर आप सेवन कर रहे हैं, कि आपके पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं, ये बीटा कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर देता है, रीजेनरेट कर देता है, और इंसुलिन बनना पुनः शुरू हो जाता है। और जब इंसुलिन बनना पुनः शुरू हो जाता है, तो जो हमारा ग्लूकोज का लेवल है वो सामान्य हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन ही ग्लूकोज को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जब ग्लूकोज का उत्पादन प्राकृतिक रूप से होने लगता है, तो इंसुलिन का जो उत्पादन है अगर प्राकृतिक रूप से होने लगता है, तो ग्लूकोज का जो लेवल है अपने आप सामान्य हो जाता है। तो नेचर टच गैनोडर्मा आपकी कोशिकाओं की, मैंने शुरू में बताया कि कोशिकाओं को रीजेनरेट करने की क्षमता रखता है, कि बीटा सेल्स को रीजेनरेट करके इंसुलिन का उत्पादन करके ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, सामान्य बनाता है। अंग्रेजी दवाओं का जो दुष्प्रभाव है, और बड़ी खासियत देखिए नेचर टच गैनोडर्मा का, जो हम साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं, तरह तरह की छोटा छोटा कोई भी बीमारियां होती हैं, तो हम पेन किलर का यूज हम लोग कर लेते हैं, कभी फीवर हुआ, सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, और भी बीमारियां जाने अनजाने में बिना अंग्रेजी दवाओं का काम नहीं चल पाता है। हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए अंग्रेजी दवाओं का यूज करते हैं, और ये केमिकल बेस्ड दवाएं जिसके अंदर इतनी केमिकल का यूज होता है, जो हमारी कोशिकाओं में जमा होने लगती है, साइड इफेक्ट होने लगता है, जिसके कारण हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन, इनकी समस्याएं बढ़ जाती है। उन सारी समस्याओं से आपको ये बचाता है नेचर टच गैनोडर्मा। इसके अतिरिक्त शरीर में किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार की अगर गांठ बन रही हो, गांठ ट्यूमर जिसको बोलते हैं, अगर गांठ की समस्याएं हैं, क्योंकि गांठ की समस्याएं भी इस समय तेजी से बढ़ रही है। होता है क्या, जब गांठ की समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो हमारा मेडिकल साइंस सीधा कहता है कि गांठ को काट कर बाहर निकाल दो। ये प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, मैं कहता हूं कि एक गांठ हुई इसको आपने बाहर निकाल दिया, दो हुई इसको निकाल दिया, अगर एक गांठ की प्रक्रिया बननी शुरू हो गई और जब आपने बाहर निकाला, तो क्या गारंटी है कि दोबारा उस जगह पे गांठ न हो। अगर आप गैनोडर्मा का सेवन कंटिन्यू कर रहे हैं, गैनोडर्मा को बराबर अपने जीवन में अगर आपने शामिल किया है, तो हर तरह की गांठ को समाप्त करने की क्षमता रखता है, और अगर गांठ नहीं है शरीर में, तो गांठ बनने नहीं देता है। ये पावर है नेचर टच गैनोडर्मा का। इसके अतिरिक्त ये कैंसर कोशिकाओं को, जो कैंसर सेल की उत्पत्ति को, उसके फैलाव को निचले लेवल पे, इनिशियल स्टेज पे खत्म कर देता है।
कैंसर सेल को उत्पन्न ही नहीं होने देता है और इस तरीके से कैंसर सेल को रोककर उसे नष्ट करके इस घातक बीमारी से हमारे शरीर को बचाता है। अगर आप नेचर टच गैनोडर्मा का यूज अगर आप कर रहे हैं तो कैंसर जैसे बीमारी से भी आप बचे रहेंगे, ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। और किसी को अगर कैंसर हो गया है तो मैं जरूर सलाह दूंगा कि एलोपैथ या होम्योपैथ किसी भी दवा को अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आप गैनोडर्मा का यूज, नेचर टच गैनोडर्मा का यूज जरूर करें, ये आपको काफी फायदा करेगा, उन दवाओं के प्रभाव को भी बढ़ाएगा और इसके अलावा आपकी कोशिकाओं को एक ताकत देगा, एक इम्यूनिटी देगा, शरीर से जो बीमारियों को शरीर से लड़ने की क्षमता देगा। इसके अतिरिक्त नेचर टच गैनोडर्मा का और भी बहुत सारा काम है, नपुंसकता की भी समस्या को ये जड़ से समाप्त करता है, ये भी एक गंभीर समस्याएं है। जिस तरीके से हमारा जो कल्चर डेवलप हो रहा है कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी भाग दौड़ में होती चली जा रही है, हम सब पैसे के चक्कर में सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं, वर्कलोड बढ़ता चला जा रहा है, हमारे ऑफिस का, बॉस का और भी तरह का घर का लोड बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण तनाव का लेवल बढ़ रहा है और तनाव का लेवल बढ़ने की वजह से नपुंसकता की भी समस्या तेजी से हमारे समाज में फैल रही है। अगर नेचर टच गैनोडर्मा का सेवन आप कर रहे हैं तो आपकी नपुंसकता को भी जड़ से समाप्त करता है। इसके अतिरिक्त एलर्जी की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से एलर्जी की समस्याएं भी हमारे समाज में तेजी से बढ़ रही है। किसी को कच्चे सब्जी से एलर्जी है, किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को आवाज से एलर्जी है, इतनी तरह की एलर्जी की डिजीज हो गई, इतनी वेराइटी हो गई जिसको बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन नेचर टच गैनोडर्मा आपको हर तरह की एलर्जी से बचाए रखने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है, तनाव लेवल को भी कम करता है। एक और कुदरत इसके अंदर मुख्य चीजें दिया है, इसके अंदर मैंने बताया था कि 280 से भी अधिक क्रियाशील तत्व, एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो 280 से भी अधिक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण आपको तनाव से भी आपको बचाए रखने में मदद करता है, क्योंकि तनाव का लेवल भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और तनाव के बारे में मैं जरूर बात करूंगा थोड़ा सा, कि जैसे ही तनाव बढ़ता है यह आपको सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है, तब बेहतर यही होगा कि आप तनाव को अपने जीवन से आप कोशिश दूर उठाकर फेंक दें और तनाव का लेवल आप बढ़ने न दें। नेचर टच गैनोडर्मा आपको रिलैक्स करता है और तनाव के लेवल को भी कम करता है। इसके अतिरिक्त ब्रेन से जुड़ी अगर कोई समस्याएं हैं, ब्रेन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्याएं हैं, नेचर टच गैनोडर्मा वहां पे बेहतर रोल प्ले करता है, आप वहां भी ब्रेन से जुड़ी समस्याओं से भी आपके शरीर को बचाता है, आपको बचाता है। इसके अतिरिक्त ब्लड सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट करता है, अगर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम किसी को हो रही हो, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम भी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि ये सामान्य अगर नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर जैसे गंभीर बीमारी को जन्म देगा, तो ब्लड सर्कुलेशन की भी प्रॉब्लम को दूर करता है, तब आपके परिसंचरण तंत्र को सामान्य बनाता है। इसके अतिरिक्त हमारी जो सेल है, हमारी कोशिकाएं हैं, इनमें ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो क्षमता है, एक्सेप्टेंस जो पावर है ऑक्सीजन ग्रहण करने की, ये कम होती चली जा रही है। ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, क्योंकि हमारी सेल में जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा, बहुत गंभीर समस्या है, ये बात बहुत छोटी है। जब हम कुछ भी लेते हैं, जब हम कोई भोजन करते हैं, ये ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए, ईंधन में बदलने के लिए, जिससे आपके शरीर की क्रियाएं हो रही हो, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो कई ऐसे गंभीर बीमारियों का जन्म अपने आप हो जाता है। तो नेचर टच गैनोडर्मा ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है, और इस तरीके से जब ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता हमारी कोशिकाओं में तेजी से होने लगती है, तो जो हमारी कोशिकाओं का डीजनरेशन हो रहा है, पतन हो रहा है, जो हमारी कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं, कोशिकाओं का नष्ट होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। जब कोशिकाएं नष्ट नहीं होंगी, कोशिकाओं का क्षय नहीं होगा, हम बिल्कुल एक स्वस्थ जिंदगी जिएंगे। इसके अतिरिक्त हर तरह के फ्लू से बचाए रखने में, हर तरह का फ्लू, मैं किसी भी फ्लू का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, आप जिस
तरह के फ्लू के बारे में सोचना हो आप सोच सकते हैं, किसी भी संक्रमण के बारे में सोचना हो आप सोच सकते हैं। नेचर टच गैनोडर्मा आपको हर तरह के फ्लू से बचाए रखने में आपकी मदद करता है, आपके इम्यून सिस्टम की वृद्धि करता है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में आज मैंने आपसे बात किया जो आपको कायाकल्प कर सकता है, जो आपकी पूरे शरीर को बचा सकता है, जो होलिस्टिक है, होलिस्टिक जो ऑर्गेन स्पेसिफिक नहीं है कि किडनी लिवर हार्ट ब्रेन के लिए अलग अलग मेडिसिन का यूज करना है। एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा हर्ब कुदरत ने दिया हुआ है जो आपकी कोशिकाओं पे काम करता है, आपकी सेल पे काम करता है। इसको ये नहीं बताना है कि किस पार्ट में कौन सी बीमारी है, जब इसका सेवन आप शुरू करते हैं ये वहीं पे काम करता है जहां पर प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने जीवन में नेचर टच गैनोडर्मा को जरूर शामिल करें, इस यूनिक प्रोडक्ट को अपने लाइफ में आप खुद जरूर शामिल करें, अपने फैमिली में शामिल करें, अपने परिवार में शामिल करें और इस पूरे समाज में, हमारा पूरा समाज जूझ रहा है तरह तरह की बीमारियों से जिन बीमारियों की उम्मीद भी नहीं की जाती है। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि जब बीमारियां होंगी तो हम देख लेंगे। मेरा फिर आपसे एक ही सवाल होगा कि जब बीमारी होगी तो आप देखने लायक नहीं बचेंगे। इससे बेहतर यही होगा कि पहले प्रिवेंशन के लिए इन प्रोडक्ट्स का आप यूज जरूर करें, क्योंकि कुदरत ने, आप कहते हैं कि ईश्वर आपको बचाएगा, ईश्वर चल के नहीं आता बचाने के लिए, किसी न किसी के माध्यम से आपको जागरूक करता है, जानकारी देता है, आप अवेयर होते हैं। कई बार लोग इस बात को इग्नोर करते हैं कि नहीं, ईश्वर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, भगवान हमें बचाएगा। तो भगवान आपको बचा रहा है, ये भगवान के माध्यम से ही, कुदरत के दिया हुआ ही ये करिश्माई ये हर्ब है, जिसे कई बार मैजिक हर्ब के नाम से भी जाना जाता है, इसे चमत्कारी हर्ब भी कहा जाता है। एक ऐसा हर्ब जो हर तरह से, हर तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसके अंदर होती है। और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप इस समाज के, इस समाज की जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में एक बेहतर स्वास्थ्य हासिल करना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।